Hello students, so today we are going to start with the new chapter, chapter number 7, that is health and hygiene. Okay, as the name indicates, it's all about our health, related to our health, our hygiene, personal hygiene, community hygiene, it's about our diet, ye sab cheeze is chapter mein humne padhna hai. We will study about the communicable and non-communicable diseases. क्लियर. सो सबसे पहले हम बच्चे बात करते हैं व्हाट इज गुड हेल्थ. क्या होता है गुड हेल्थ का मीनिंग? हम कहते हैं कि आई एम हैविंग वेरी गुड हेल्थ, आई एम वेरी हेल्दी. हाउ वी कैन से दैट गुड हेल्थ? स्टेट ऑफ वेल बीइंग मींस गुड हेल्थ. If you are feeling good emotionally, physically, and as mentally, you can say that you are healthy. अगर इन तीनों में से आप एक चीज में नहीं ठीक हो, like you are physically fit, but you are having any emotional stress, okay, that means you are not healthy. If you are emotionally, mentally stable, you are fine. And you are not physically well, then you can say you are not having good health. Okay, if you are fit in all these three factors, then you can say that you are having good health. Tabhi bologe, theek hai? So, it's important ki aap mentally as well as emotionally stable ho in a good health. It's very, very important. These two important factors are included in good health. Is it clear? So according to the WHO, what is WHO? We all know it is World Health Organization. ठीक है, उसके according क्या define किया गया है हमारी health को? What is the definition of health? The state of complete physically, mentally, socially well-being. Not merely absence of any kind of disease. अगर आपको कोई डिजीज नहीं है, आपको कोई डिजीज नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो. उसके साथ साथ आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों एस्पेक्ट्स में आपको बिल्कुल प्रॉपर फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए. दैट मीन्स यू आर हेल्दी पर्सन. This is according to the WHO. उनके according ये definition है health का. Is it clear? Clear होगी बेटा दोनों definitions? Okay, so health के ऊपर बेटा mainly three factors based हैं, which are very very important. Which three factors? सबसे पहले you should have a balanced diet. ठीक है, आप ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर अ हेल्दी वेलबींग. ठीक है, सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट. हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं अबाउट द बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? आप सारे अपने न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर राइट प्रोपोर्शन में कंज्यूम कर रहे हो एज वेल एज वाटर कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज योर बैलेंस्ड डाइट. Is it clear? So, आगे बात करेंगे second factor की, that is the personal cleanliness. आप personally अपने आप को, अपनी body को कैसे clean रखते हो? Like हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, you should brush twice a day, you take bath daily, comb your hair, trim your nails. ये सारे aspect किस में आते हैं? ये सारे points किस में cover होते हैं? हमारे personal cleanliness. हम अपने आप को पर्सनली, अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रखते हैं? ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कम्युनिटी हाइजीन. आप अपनी कम्युनिटी को पब्लिक सैनिटेशन कैसे रख रहे हो? अपने आसपास, अपने सोशल को, अपनी सोसाइटी में आप कैसे क्लीनलीनेस रखते हो? ओके, पब्लिक प्लेसेस पे आप जा रहे हो, आर यू थ्रोइंग द वेस्ट इन द पब्लिक प्लेसेस? दैट मींस यू आर नॉट फॉलोइंग द हेल्दी लाइफ. ठीक है, आप खुद इल हो रहे हो, साथ के साथ दूसरे पर्सन को भी वो इलनेस दे रहे हो बाय थ्रोइंग आउट द वेस्ट.
ओके, देर आर मैनी थिंग्स विच वी हैव टू फॉलो इन अ कम्युनिटी हाइजीन. क्लियर हुआ बेटा? इन तीनों एस्पेक्ट्स को फॉलो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ. इज इट क्लियर? ना नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द हाइजीन. हाइजीन की बात की है, सो व्हाट इज द हाइजीन? इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आर बॉडी एज वेल एज आर सोसाइटी वेल बीइंग. अपनी सोसाइटी को, अपने आप को साफ सुथरा रखना, क्लीन रखना, क्लीनलीनेस देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हाइजीन. इसमें दोनों चीजें आती हैं बेटा, पर्सनल एज वेल एज सोसाइटी कम्युनिटी. ठीक है, खुद को साफ रखना, अपने आसपास साफ रखना, उस चीजों को फॉलो करना, प्रैक्टिस करना, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज डिफाइंड एज हाइजीन. उसको हाइजीन कहा जाता है. ठीक है बेटा, सो नेक्स्ट हमने बात करनी है अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन के बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिजीज. व्हाट इज अ डिजीज? इट इज एन इलनेस. ठीक है, एक इलनेस है, स्टेट ऑफ डिस्टर्ब्ड बॉडी. हमारी बॉडी किसी कंडीशन में, किसी वजह से, किसी रीजन से डिस्टर्ब है, दैट इज कॉल्ड एज डिजीज. इज इट क्लियर? डिजीज क्या है? एक इलनेस है जो हमें, हमारी बॉडी को इल करती है, नॉट वेल बीइंग स्टेट में लेके जाती है, डिस्टर्ब करती है हमारी बॉडी को, दैट इज कॉल्ड एज डिजीज. ठीक है, हमें शुरू से पता है, हमें फीवर हो रहा है, हमें कोई भी प्रॉब्लम है, फ्लू हो गया है, वायरल हो गया है, बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, दैट इज ऑल कम्स अंडर अ टर्म कॉल्ड एज डिजीज. इज इट क्लियर बेटा? सो हमने डिजीज के बारे में पढ़ा. डिजीज भी बच्चे आगे फर्दर टू टाइप की होती है. ठीक है, हमें पता होगा दैट यस दैट इज कम्युनिकेबल एंड सेकेंड इज नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है बेटा? द डिजीज विच इज स्प्रेडेबल. ओके, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज. एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? नॉन स्प्रेडेबल, मीन्स इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. इज इट क्लियर? सो कम्युनिकेबल डिजीजेस में हमने कुछ एजेंट्स हैं जो इसको कैरी करवाते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन. दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एज पैथोजन्स, जो डिजीजेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन. कौन कौन से पैथोजन्स हो सकते हैं? लाइक बैक्टीरिया, दे आर द कैरिंग एजेंट्स. ठीक है, वायरसेस, प्रोटोजोन्स. ठीक है, दीज आर सम पैथोजन दैट कॉज इलनेस इन द पर्सन. ठीक है, वो कैरी करते हैं उस इलनेस को, दे आर द पैथोजन. ठीक है, इन द केस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नो एजेंट्स आर रिक्वायर्ड. मीन्स कोई एजेंट्स उसमें ये कैरी नहीं करते डिजीज को फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन. वैसे ही वो नॉन ट्रांसमिटेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जाता. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी. किसी पर्सन में कोई एलर्जी हो गई है, कोई डेफिशिएंसी हो गई है, उसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है. इज इट क्लियर? कम्युनिकेबल डिजीज में हम एक चीज और ध्यान में रखेंगे, कैसे होती है, किसकी. हमने पढ़ लिया कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन उसको कैरी करते हैं. और ये फैलता कैसे है, कम्युनिकेबल डिजीज होती कैसे है? विद एनी काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है, उसकी आप कोई चीजें यूज कर रहे हो, उसके कोई आर्टिकल्स लाइक हैंकी, और यू आर टचिंग हिम बाय शेकिंग द हैंड, तब भी ये डिजीजेस फैलती हैं. ठीक है, इंसेक्ट्स की हेल्प से भी कैरी होती है.
एयर की हेल्प से, वाटर, फूड, ये सारे चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, वो डिजीज कैरी होती है. क्लियर? एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी, डेफिशिएंसी और एनी काइंड ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन. व्हाट इज माल फंक्शनिंग? मीन्स एनी ऑर्गन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. एनी डिस्टर्बेंस, एनी इन्फेक्शन, एनी इन्फ्लामेशन इन दैट ऑर्गन, उसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है. सो एलर्जीज, एलर्जीज कुड बी एनी काइंड ऑफ एलर्जी, एयर एलर्जी, फूड एलर्जी, किसी मेडिसिन से, किसी ड्रग से एलर्जी है, वो कोई भी एलर्जी एक पर्सन में हो सकती है, किसी फूड आइटम से. लाइक किसी को मशरूम से एलर्जी होती है, ठीक है, किसी को टर्मरिक पाउडर से एलर्जी होती है, ठीक है. दे आर सो मैनी काइंड ऑफ एलर्जीज विच कैन कॉज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, डेफिशिएंसी डिजीज, आयरन की, कोई विटामिन की, किसी कैल्शियम की कमी की वजह से बॉडी में कोई डिजीज हो जाए, आयरन की कमी की वजह से अनीमिया हो जाता है बॉडी में, दैट इज द डेफिशिएंसी डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. ओके, नेक्स्ट आ गया माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स. माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स लाइक किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ओके, लंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. एनी काइंड ऑफ डायबिटीज इन द पर्सन, कोई दैट इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल. एक पर्सन को डायबिटीज शुगर है तो किसी और को नहीं होती ट्रांसमिट, सो इट्स कम्स अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंसर, दैट इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पैथोजन्स, जो वायरसेस हैं लाइक, ठीक है, वायरसेस से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, लाइक कॉमन कोल्ड, फ्लू, ठीक है, दीज आर सम काइंड ऑफ डिजीजेस विच कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ द वायरस. डेंगू जो आजकल बहुत फैल रहा है, ठीक है, चिकनगुनिया, ये सारे बेटा इनके कॉजिंग एजेंट क्या है, जिस डिजीजेस किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द वायरसेस. क्लियर? सो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या क्या कॉज कर सकते हैं डिजीजेस? इट्स कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, डायरिया, ठीक है, ये सारी जो डिजीजेज हैं वो किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटोजोन की. प्रोटोजोन कौन कौन से डिजीजेस कॉज करते हैं? दैट इज द मलेरिया, ठीक है, वो प्रोटोजोन की वजह से होता है. एंड वन मोर इज अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ स्टमक इन्फेक्शन, बहुत फूड पॉइजनिंग हो जाती है, काफी वियर्ड कंडीशन में एक पर्सन चला जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटोजोन. ठीक है, वन मोर कैटेगरी इज देयर, दैट इज द वॉर्म्स. वॉर्म्स कौन कौन से आ जाते हैं? टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सारे क्या है बेटा? दीज ऑल आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, वॉर्म्स, ये सारे डिजीजेस को कॉज करते हैं. विच डिजीजेस? कम्युनिकेबल डिजीजेस. अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में भी हमने पढ़ लिया, क्या क्या करते हैं, एलर्जी, डेफिशिएंसी ऑफ एनी काइंड ऑफ मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, इन सब की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं. और इसको क्योर कैसे किया जा सकता है, कैसे इसको बचाया जा सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को? एलर्जीज हैं, लाइक वी शुड अवॉइड दैट थिंग्स जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो रही है, ठीक है, लाइक मशरूम खाने से अगर मुझे एलर्जी हो रही है तो आई विल अवॉइड दैट. और यू कैन फॉलो, किसी को पेट से एलर्जी होती है, उनके हेयर वगैरह से, उनके नेल से, सो उन चीज़ों को पेट हैंडलिंग अवॉइड करनी चाहिए. और यू कैन गो टू द डॉक्टर एंड उसके लिए आपको मेडिसिन मिलती हैं एलर्जी के लिए,
तो आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। डेफिशिएंसी अगर किसी चीज़ की वजह से हो रही है तो आपको उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना चाहिए अपने फूड में, बैलेंस डाइट में, ठीक है। उन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए। कोई भी मल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन है, डायबिटीज़ है किसी पर्सन को, तो उनको उन चीज़ों का प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी थेरेपी जो भी होती है, जो भी मेडिसिन्स होती हैं, जो भी ड्रग्स मिलते हैं, उसको फॉलो अप करना चाहिए। इज इट क्लियर? सो हमने आज पढ़ा है अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन, उनके डेफिनेशंस, ओके। देन डिजीजेस के बारे में पढ़ा है, दोनों डिजीजेस, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल दीज कम्युनिकेबल डिजीजेस, कि उनके कैसे मोड्स हैं, क्या प्रिवेंशन हैं।